मैनपुरी में अखिलेश यादव के रोड शो के बाद मैनपुरी में हुए बवाल पर जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और एक दूसरे महाराणा प्रताप को लेकर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी महाराणा प्रताप को लेकर अभद्रता करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए झूठा षड्यंत्र बता रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इस षड्यंत्र के चलते समाजवादी कार्यकर्ताओं में दहशत फैलने व माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाने का काम कर रही है। यह समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। षड्यंत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव एवं जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक जाति विशेष को लेकर गाली गलौज करने की कड़ी निंदा की है। महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर हुए बवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह अपने बयान में समाजवादियों पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव लाखों लाख मतों से जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने या किसी भी कार्यकर्ता ने कभी भी किसी भी महापुरुष को के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहा। हम सारे लोग जयंतियाँ मनाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी कल आपको देखने को मिलेगा, जब वोट पड़ेंगे एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, श्रीमती डिंपल यादव जी के पक्ष में वोट जनता डालने जा रही है। इस केवल बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सारे जात और धर्म के लोगों का सम्मान किया, महापुरुषों का सम्मान किया है, केवल बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो गांव में घुस नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, जनता उनको नकार रही है, कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, केवल बौखलाहट है। और कल की घटना, परसों की घटना को लेकर हमारे एलाऊ क्षेत्र में हमारे सेक्टर द्वारी हैं, उनके घर पे आज पुलिस जाती है और ये कहती है कि आपका नाम परसों की घटना में आप आते, जबकि वो व्यक्ति एलाऊ थाने के अंतर्गत रहने वाले गांव हैं, मेरा है वहाँ के रहने वाले हैं, और बातें वो आए भी नहीं, थे भी नहीं, इसके बावजूद भी पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। लिस्टें पहुँच चुकी हैं थानों में गिरफ्तारी के लिए। अरे हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में तो निष्पक्ष चुनाव कराए, पुलिस को अलग करें। पुलिस का काम है कहीं झगड़ा ना हो, शांतिप्रिय वोट पर है, ये प्रशासन का काम है। कई तरीके के अध्यक्ष वीडियो आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गाली गलौज दे रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा एक जात विशेष के बारे में अपमानजनक टिप्पणी और गलत क्या नाम गालियाँ दी गई हैं, भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल हम सारे लोग समाजवादी लोग इसकी निंदा करते हैं, जितनी घोर निंदा करते हैं। अरे चुनाव है, कल वोट पड़ेंगे, वोट पड़ने दीजिए तो आप पुलिस के माध्यम से हमारे साथियों को पकड़वाएंगे। पूरे जनपद में तांडव मचा हुआ है, यहाँ के जो क्या नाम आयोग के परीक्षक हैं, जिलाधिकारी जी हैं, SP हैं, बड़े अधिकारी, उनसे हमारा निवेदन है निष्पक्ष चुनाव कराएं। कई तरीके की कार्यकर्ताओं पर FIR की गई है अलग अलग थानों में, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के दबाव में ये FIR की गई है और इंगित किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जब उन पर मुकदमा नहीं है ऐसी कौन सी धारा आप उसको थाने में बैठा देंगे, जेल भेज देंगे, भाई कल भी जेल भेज दिए, कौन सी धारा आपके पास है? जिनके पास एक भी मुकदमा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे जनपद में, चाहे करैल हो, भोगांव हो, किसनी हो, मैनपुरी हो, सारी जगह उत्पीड़न किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दबाव में चुनाव जीतना चाह रही है? चुनाव ना हो तो कोई मतलब नहीं है, कल पता चल जाएगा। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और कल बढ़ चढ़ कर मतदान करेगी। प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं, किस संबंध में कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमानत जब्त का अंदाजा लग गया है तो उन्होंने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का प्रोपेगंडा किया है और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता करके बहुत आपत्तिजनक बयान दिए हैं, इसकी पार्टी निंदा करती है और जो प्रोपेगंडा उन्होंने बनाया है, असलियत ये है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, असली वीडियो ये है जिसमें महाराणा प्रताप के नारे, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं, आप सुन सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतना अनुशासित है, वो इस तरह की कार्रवाई कर ही नहीं सकता। ये वीडियो प्रमाण है।
क्या उद्देश्य? परसों हमारी पार्टी का रोड शो था, रोड शो नहीं बल्कि बेरोजगारों की बारात थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं भी कोई अनुशासनहीनता नहीं की, और अगर की है तो उसका कोई साक्ष्य दिखा दे। जो ये करहल चौराहे पे जो हुआ है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई हैं, और वो लोग समझ ही नहीं पाए, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी तोड़ दी लोगों ने। उसके बाद प्लानिंग के तहत ये वीडियो बनाए गए, एक जात विशेष के लिए गंदी गंदी गालियां दी गई, समाज को बांटने का प्रयास किया गया। जब मंत्री को लगा कि प्रताप तो मुगलों से लड़े थे, थोड़ा ज्ञान बढ़ाए मंत्री, और प्रेस इसलिए बनाई गई है कि मैनपुरी की पुलिस खासतौर दंधार थाना शरीफ लोगों को उठा उठा के बंद कर रही है, और एयर पुलिस ने लोगों को रोकना बंद नहीं किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया है, उन्होंने कहा यार तो छोड़ देंगे लोगों को नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दंधार थाने पर आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को छुड़वाएंगे। लगातार FIR की जा रही है लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर। आज भी एक FIR सामने आई है, हमारे जोन प्रभारी विजय यादव झंडाहार आशु तोमर के ड्राइवर ने फर्जी FIR लगाई है, तमाम FIR हो रही है, कोई भेजे कप्तान को भेजे, लेकिन हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, ये समाजवादी पार्टी की मांग है, और चुनाव को निष्पक्ष कराया जाए, ये पार्टी की मांग है। हमने आयोग में शिकायत की है, अगर बात नहीं मानी जाएगी फिर शिकायत करेंगे, और हमें पूरी आशंका है, हम आपको वीडियो दे देंगे जिसमें लड़के बोल रहे हैं कल साले बस्ता लगा के दिखाएं, इस तरह सब यूज कर रहे हैं, पोलिंग डंप करेंगे, लक्ष्मीबाई की पोलिंग, खरपड़ी की पोलिंग, धवन नगर की पोलिंग, एकर सनंद की बोलिंग, ये डंप करने की धमकियां मिल रही हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से, प्रशासन से ये कहना है, आयोग से ये कहना है कि कृपया इन पोलिंगों की सुरक्षा की जाए। आयोग की नेतृत्व जिम्मेदारी बनती है, जिला प्रशासन की नेतृत्व जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष मतदान कराएं। चौक का जो वीडियो एक आया है उसका अभी आप मोबाइल में दिखा दें, मैं अभी आपको एक वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जो असली वीडियो है उसमें नौजवान उत्साही सेल्फी खींचने के लिए ऊपर चढ़े हैं, लेकिन महाराणा प्रताप जय जयकार कर रहे हैं, कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, वहाँ जय जयकार बोली है, लेकिन BJP के झूठे मंत्री ने सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया, अब जनता ने हराने का मन बना लिया है, सरदारगंज वापस भेजने का मन बना लिया है, तो मंत्री जी चुनाव लड़े, जनता की दम पर लड़े, पुलिस की दम पर लड़े। धन्यवाद, ठीक है, कराने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग ने, वही स्थितियों को पैदा करना चाहते हैं, उन स्थितियों से रोका जाए। भारत निर्वाचन आयोग से हम अनुरोध करेंगे कि कठोरतम व्यवस्था करें, ऐसे गलत वीडियो जारी करने वाले जो यादव और क्षत्रियों के बीच में भाई पैदा करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसको रोका जाए, और जो भी दोषी हो कठोर कार्रवाई की जाए। वोटर को कैसे आश्वस्त करेंगे, क्योंकि भय बहुत इतना माहौल, क्योंकि शहर की बात थी, देखिए पूरे शहर में जो इनका पुराना चरित्र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक चरित्र रहा है कि हमेशा यहाँ के लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, मान लो उसमें बैठा सबसे बड़ा झंडा, वही चरित्र कल मैनपुरी के शहर के अपने रोड शो के समर्थन में, पूरी तरह भारत निर्वाचन आयोग इस समय देख रहा है, भारत निर्वाचन आयोग से हम आग्रह करेंगे इस पर कठोर कार्रवाई के खिलाफ की है, जिस तरह का वातावरण हमारे कल व्यापारियों को लुकाया गया।